छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी संघ सहित अन्य संगठन महंगाई भत्ता संघर्ष समिति के बैनर तले दो सूत्री मांग को लेकर शुरू की 3 दिवसीय हड़ताल। छुट्टी लेकर धरने पर बैठे कर्मचारी 70% महंगाई भत्ता व 7वें वेतनमान के आधार पर गृह भाड़ा भत्ता की मांग को लेकर महंगाई भत्ता संघर्ष समिति के बैनर तले सोमवार को बड़ी संख्या में संघर्षरत छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी महासंघ सहित अन्य संगठनों ने तीसरे चरण की हड़ताल प्रारंभ कर दी है, जिसके तहत 11 से 13 अप्रैल तक अधिकारी व कर्मचारी सामूहिक अवकाश लेकर अपनी 2 सूत्री मांग को लेकर अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, जिसका नजारा दुर्ग के जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय के सामने देखने को मिला, जहां अधिकारी कर्मचारियों ने धरना स्थल पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए प्रदेश सरकार से महंगाई भत्ता व गृह भाड़ा भत्ता की मांग की। इस मौके पर छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी महासंघ के प्रांतीय संयोजक अनिल शुक्ला ने कहा, उन्होंने प्रदेश सरकार का ध्यान अपनी मांगों पर आकर्षित कराने 7 मार्च को समस्त जिला मुख्यालय में धरना प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा था और इसके दूसरे चरण में 11 मार्च को राजधानी रायपुर में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन और मार्च पास्ट कर शासन का ध्यान अपनी मांगों पर आकृष्ट कराया। बावजूद इसके अब तक प्रदेश सरकार के द्वारा उनकी लंबित मांगों पर कोई विचार विमर्श नहीं किए जाने से अधिकारी कर्मचारियों ने तृतीय चरण में 3 दिवसीय हड़ताल का आयोजन किया है। उन्होंने ये भी कहा कि इस सामूहिक हड़ताल में अधिकारियों व कर्मचारियों को अवकाश लेकर प्रदर्शन में शामिल होने 3 दिवसीय हड़ताल के पहले दिन दुर्ग जिले के अधिकारी व कर्मचारियों ने बड़ी संख्या में धरना प्रदर्शन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस संबंध में न्यूज टीम को महासंघ के प्रांतीय संयोजक अनिल शुक्ला व स्वास्थ्य विभाग के सैयद असलम ने अपनी प्रतिक्रिया दी। छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ संघर्ष मोर्चा के साथ आज 11, 12, 13 को प्रदेश स्तर पर छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ का भी आंदोलन चल रहा है। छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ की 26 सूत्री मांगे हैं, जिन मांगों में स्वास्थ्य विभाग के सभी केडरों में वेतन विसंगति व्याप्त है उसको आज तक दूर नहीं किया गया है। 2015 में एक तीनों संचालकों का ज्ञापन गया हुआ था अनुशंसा के साथ, संचालक चिकित्सा, संचालक स्वास्थ्य सेवाएँ और संचालक आयुष का, कि हमारे सभी जो केडर है जिसकी वेतन विसंगति का उन्होंने अनुमोदन किया था उसको हम चाह रहे हैं कि प्रदेश में लागू किया जाए। हमारी दूसरी बहुत बड़ी मांग है कि जो जीवनदीप के कर्मचारी हैं और संविदा के कर्मचारी हैं उनको नियमित पदों के विरुद्ध में भर्ती किया जाए। सरकार ने प्रदेश में 5 स्तरीय वेतनमान लागू कार्य दिवस लागू किया है और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी लगातार हर दिन कार्य करते हैं, शनिवार को भी काम कर रहे हैं। हमारा कहना है कि अगर उस पर तर्क दिया गया था कि सरकार के कर्मचारियों का मनोबल अच्छा होगा इसलिए 5 दिन का कार्य ले रहे हैं, उनका पेट्रोल व बिजली व कार्यालयों का बचेगा, तो स्वास्थ्य विभाग अति आवश्यक सेवाओं के अंतर्गत आता है। तो हमारा कहना है कि हमें पुलिस विभाग की जैसे 13 महीने की तनख्वाह दी जाए और हमारे कर्मचारियों की जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है उनकी पदोन्नति की जाए और उनका जो सेटअप में जो वेतन विसंगति उसको दूर की जाए, आयुष के जो कर्मचारी है उनकी वेतन विसंगति दूर की जाए। इसी तरीके से हमने 26 सूत्री मांगों को विगत 15 वर्षों से लड़ रहे हैं, पिछली सरकारों ने भी हमारे पर ध्यान नहीं दिया। आज प्रदेश के सभी जिला चिकित्सालयों में सिर्फ अति आवश्यक सेवाओं को छोड़ दिया, यानी प्रसूता की डिलीवरी और एक्सीडेंटल केस को छोड़ के हमने इसमें दिया। हम संघर्ष मोर्चा के साथ इसलिए गए हैं कि इनकी जिनहीन मांग है कि महंगाई भत्ता भी मिलना चाहिए और 7वें वेतन के साथ गृह भाड़ा भत्ता, इसी के साथ हमने अपनी इस मांग को जोड़ दिया है ताकि हम जनता के साथ खेत भी व्यक्त करते हैं कि अति आवश्यक सेवा में है। लेकिन हमारा कहना यह है कि सरकार हमसे बातें नहीं करती, चर्चा नहीं करती और हमारी मांगों को सुनती नहीं, इसलिए हमको आंदोलन की राह में आना पड़ता है। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि स्वास्थ्य विभाग की एक अलग से चर्चा करें और वेतन विसंगति को दूर करें और स्टाफ नर्सों का नर्सिंग सिस्टरों का पदनाम परिवर्तन, धुलाई भत्ता और CHO के नियमितीकरण, ऐसे 26 सूत्री हमारी मांगे। आज जो अस्पतालों को हमने बंद रखा है उसमें हम लोग चूंकि पीड़ित मानवता की सेवा है, किसी भी घर से कैजुअल्टी हो सकती है, इसलिए हमने प्रदेश की सरकार के साथ अस्पतालों में कैजुअल्टी को चालू रखा है कि गर्भवती माता अगर कहीं से प्रसव पीड़ा लेके आती है तो हम उसका प्रसव कराएंगे। रोड में कहीं एक्सीडेंटल केस अगर हो जाता है तो हम रोड के एक्सीडेंटल केस को अपने ड्रेसर को मरहम पट्टी करने भेजेंगे, चिकित्सक को देखने के लिए भेजेंगे। प्रदेश के चिकित्सक भी हमारे साथ हड़ताल में हैं और सारी स्टाफ नर्सेज बाहर हैं, तो जो अति आवश्यक की सेवाओं के लिए जो लगेगा उस वक्त में तो हमने वहाँ पे अपने कर्मचारियों को देने के लिए कहा है और OPD उसकी संचालित है जल्दी। मैं राज्य के शासकीय कर्मचारियों, पेंशनरों, अधिकारियों को वर्तमान में 17% महंगाई भत्ता मिल रहा है, जबकि केंद्र सरकार 34% महंगाई भत्ता दे रही। केंद्र के साथ साथ राजस्थान की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार, बिहार की सरकार,
झारखंड की सरकार, ये सभी सरकारें जो हैं तो 34% 31% महंगाई भत्ता दे रही हैं। इस संबंध में हम लोगों ने छत्तीसगढ़ ये महंगाई भत्ता संघर्ष मोर्चा के अंतर्गत 32 कर्मचारी संगठनों ने मिलकर 2 मार्च को सरकार को एक अल्टीमेटम दिया था कि हमें राज्य के कर्मचारियों अधिकारियों एवं पेंशनरों को उस समय 34% महंगाई भत्ता दिया जाए। साथ ही साथ हमारा जो गृह भाड़ा भत्ता है वो 2010 पे 6वें वेतनमान के दर पे मिल रहा है और 7वां वेतनमान मिले हमको 6 वर्ष हो चुके हैं, तो गृह भाड़े भत्ते को भी रिवाइज किया, उसके आधार पे शासन को हम लोगों ने अल्टीमेटम दिया था। और 7 मार्च को हम लोगों ने छत्तीसगढ़ के समस्त 28 जिला मुख्यालयों में एक ज्ञापन रैली निकाला था और 11 मार्च को हम लोगों ने बजट जब सत्र चालू था तो राजधानी रायपुर के बूढ़ा तालाब धरना स्थल में एक ध्यानाकर्षण रैली और मार्च पास्ट किया था। और उसके बाद हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि सरकार अपने इस बजट में राज्य के कर्मचारियों को जो लंबित 17% महंगाई भत्ता है वो घोषित करेगी, किंतु इस बजट में सरकार ने कर्मचारियों को ये, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं कि हमारे राज्य की GDP केंद्र की GDP से 3% ज्यादा है, और मुख्यमंत्री जी विधानसभा में खुद बोल चुके हैं जब लेखा अनुदान पारित हुआ तो उन्होंने ये कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य की आर्थिक स्थिति अन्य राज्यों की स्थिति से बेहतर है। लेकिन सवाल ये है कि छत्तीसगढ़ राज्य अभी पूरे भारत के राज्यों में सबसे कम महंगाई भत्ता दे रहा है, अर्थात हम ये मानना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी महंगाई भत्ता देने में फिसड्डी क्यों है, जब वो इस पूरे देश के सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री हैं, नंबर 1 मुख्यमंत्री हैं, तो उन्हें महंगाई भत्ता देना चाहिए। और महंगाई भत्ते में 3500 करोड़ रुपए सरकार जो है डीए एरियस के रूप में हजम कर चुकी है। ये प्रदेश के कर्मचारी और अधिकारी संगठन पेंशनर लोग जानना चाहते हैं कि ये 3500 करोड़ रुपए कहां जाता है, किसके विकास में जाता है, कहां पे खर्च होता है, इस बात का भी आक्रोश है। घटक संगठन पुनः एकत्रित होंगे और आगामी अपनी रणनीति की घोषणा करेंगे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।